आइए आज हम बात करते हैं बीएससी थर्ड सेकेंड ईयर का सिलेबस के बारे में। इसका सेकेंड पेपर होगा कार्डेटा। जो सेकेंड पेपर में इस कार्डेटा फाइलम के एनिमल्स को पढ़ना है, इसमें तीन एनिमल्स को पढ़ना है मेनली हमको, हेमी कार्डेटा, यूरो कार्डेटा और सिफेलो कार्डेटा कार्डेटा के एनिमल्स को पढ़ना है। फिर अब हम बात करते हैं कि कार्डेटा फाइलम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये एक क्रेनिया एंड सेकेंड इज क्रेनिएटा। तो फर्स्ट क्रेनिया को प्रोटोकार्डेटा भी बोलते हैं और क्रेनिएटा को यू कार्डेटा भी बोलते हैं। प्रोटोकार्डेटा को और इसको लोअर कार्डेटा बोलते हैं, इसको हायर कार्डेटा बोलते हैं। अब प्रोटोकार्डेटा को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, हेमी कार्डेटा, यूरो कार्डेटा एंड सिफेलो कार्डेटा। हेमी कार्डेटा मीन्स, हेमी मीन्स हाफ और कार्ड मीन्स कार्ड यानी कि नोटो कार्ड। तो इसके हेमी कार्डेटा के एनिमल्स में जो हाफ बॉडी में नोटो कार्ड पाया जाएगा, इसका एग्जांपल होगा वेलेनो ग्लासेस। यूरो कार्डेटा, यूरो मीन्स टेल और कार्ड मीन्स कार्ड यानी नोटो कार्ड, इसका एग्जांपल है हडमानिया। हडमानिया के टेल में नोटो कार्ड पाया जाता है। सिफेलो कार्डेटा, थर्ड इज सिफेलो कार्डेटा। सिफेलो मीन्स हेड, कार्ड मीन्स नोटो कार्ड यानी कि इसके इस एनिमल के हेड में नोटो कार्ड पाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि क्रेनिएटा को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, फर्स्ट एग्नेथा एंड सेकेंड ग्नेथोस्टोमेटा। फर्स्ट एग्नेथा, ए मीन्स नॉट, ग्नेथास मीन्स जा, यानी कि इसमें जा नहीं पाया जाएगा, विदाउट जा एनिमल्स पाए जाएंगे। और ग्नेथास मीन्स जा और स्टोमा मीन्स माउथ, यानी कि इसमें जा विद जा माउथ वाले एनिमल्स पाए जाएंगे। अब एग्नेथा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ऑस्टिकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्टिकॉन मीन्स सेल, डर्मा मीन्स स्किन। तो इसमें इसके एनिमल्स की स्किन के ऊपर सेल की कवरिंग होगी। और साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लॉस मीन्स सर्कुलर स्टोम, स्टोमा मीन्स माउथ। तो इसमें जो माउथ होगा इसके इसका वो सर्कुलर होगा। फिर पीसेस, इसमें ग्रेथोस्टोमेटा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दो सुपर क्लासेस में। फर्स्ट है पीसेस, पीसेस मीन्स इसमें फीसेस को रखा गया है। तो इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट है प्लेकोडर्मी, सेकेंड कॉन्ट्रिकाइथीज एंड थर्ड ऑस्टिकाइथीज। सेकेंड ये प्लेकोडर्मा हो गया, फिर कॉन्ट्रिकाइथीज, कॉन्ड्रास मीन्स कार्टिलेजनस और आइथीज मीन्स फीस। इसमें जो है कार्टिलेजनस फीसेस पाई जाती हैं। और ऑस्टिकाइथीज, ऑस्टिकॉन मीन्स बोन, एकाइथीज मीन्स फीस, इसमें बोनी फीसेस पाई जाती हैं। फिर हम बात करते हैं टेट्रापोडा, और टेट्रापोडा को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एम्फीबिया, एम्फीबिया में मेनली फ्रॉक्स को रखा गया है। एम्फी मीन्स बोथ एंड बायोस मीन्स लाइफ, जो दो तरीके से अपना लाइफ व्यतीत करते हैं, यानी कि ये वाटर और अर्थ दोनों पे पाए जाते हैं। फिर सेकंड रेप्टिलिया, रेप्टिलिया में स्नैक्स को रखा गया है। फिर थर्ड एवीज, एवीज में बर्ड्स को रखा गया है। फोर्थ है मैमेलियन, मैमेलियंस में मंकी और ह्यूमन बीइंग आ जाते हैं। बस तो हम इस कार्डेटा फाइलम को मेनली हमने क्लासिफिकेशन है उसका समझा दिया है। थैंक यू।